हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं आपको। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस घर में जो आपके लहसुन पड़ा होता है उसकी कलियाँ लेनी है, और आप चाहें तो दो कली ले सकते हैं। वैसे आप अगर एक पौधे के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे आपका नींबू का पौधे पर जो कीड़े लग जाते हैं खासकर, उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपका पौधा एक ही है नींबू का, तो आप इसमें से एक कली ले सकते हैं, और अगर आपके पौधे ज़्यादा हैं तो आप एक कली को एक पौधे के हिसाब से आप इसको ग्राइंड करेंगे। इसको आप चाहें तो आप मिक्सी में, ज़्यादा पौधे हैं तो आप मिक्सी में इसको पीस सकते हैं, नहीं तो आप हमाम दस्ता जो होता है उसमें अच्छे से आप इसको कूट सकते हैं, या फिर आप पत्थर की सहायता से इसको आप अच्छे से मसल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो हम अभी आपको बताते हैं। दोस्तों, आप किसी भी फसल के लिए या किसी भी पौधे के लिए अगर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लहसुन से बनाना चाहते हैं, तो आपको एक जो इसकी माप है वो ध्यान रखनी है कि एक जो इसका बल्ब होता है वो 100 ml पानी के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि अगर आप 1 लीटर के लिए बनाना चाहते हैं, 1 लीटर पेस्टिसाइड बनाना चाहते हैं, तो आपको इस मीडियम साइज़ के जो बल्ब हैं लहसुन के, वो 10 बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, पानी थोड़ा सा गर्म करना है। इसको हम कटोरी में रख लेंगे, इसका हमने छिलका नहीं उतारा है, बिना छिलके उतारे ही हमने इसको कूट कर इसमें डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी में पानी गर्म कर लेंगे, लगभग 50 ml या 100 ml पानी आप गर्म कर सकते हैं। तो उस पानी को जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो इसका इसमें जो भी कंटेंट है वो इसमें बहुत जल्दी घुल जाता है, क्योंकि इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है, वो तेल इसमें घुल जाता है। तो ये देखिए, पानी हमने गर्म कर लिया है, लगभग 100 ml के आसपास पानी है, और इसको हम इस कटोरी में डाल देंगे। डालने से क्या होगा कि इसकी बहुत जल्दी से इसमें इसके कंटेंट घुल जाएंगे और इसका जो छिलका है वो ऊपर आ जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, ये छिलका जो है ये थोड़ी देर हो चुका है हमको डाले हुए, और इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे पानी को, उसके बाद इस छिलके को हम हटा लेंगे। ये देखिए, ये छिलका हमने इसी की सहायता से निकाल दिया है। दोस्तों, निकालने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए, तब इस पानी को हम इस बॉटल में भर देंगे। कोई भी आप बॉटल ले लीजिए जिसमें अच्छे से ढक्कन बंद हो जाए, और इसको बंद करके कम से कम हम 24 घंटे के लिए रख देंगे छाया में, धूप में आप ना रखें इसको। उसके बाद हम इसका पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो चलिए, इसको हम रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं 24 घंटे बाद की क्या करना होता है। दोस्तों, ये देखिए, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और अब हम इसका पेस्टिसाइड बनाने जा रहे हैं। पेस्टिसाइड बनाकर इसका स्प्रे भी करेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको हम अभी दिखाएंगे। तो देखिए, इसको क्या करना है, इसको छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेना है। अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा महीन हो, ताकि जो स्प्रे करें हम तो उसमें जो इसके कण हैं वो इसमें नहीं रहने चाहिए। तो इस पानी को हम इस अपने स्प्रे बॉटल में भर लेंगे, और अपने जो फसल है, जो पौधे हैं, उन पर स्प्रे कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपके फसल पर या पौधे पर कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे। अगर कीड़े लग गए हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं, तो फिर इसमें आपको एक चीज़ और मिलानी पड़ेगी, वो है डेटॉल। जो लिक्विड वाला डेटॉल होता है, उसकी आप 2-3 बूंदें बस इतने पानी मिला दीजिए। अगर आपका एक पौधा है तो आप 2-3 बूंदें मिलाइए, नहीं तो अगर 1 लीटर पूरी बॉटल आप पानी से भरे हैं, जो लहसुन का जो पेस्टिसाइड है वो आपने बनाया है, तो उसमें आप 1 चम्मच डेटॉल का ये जो लिक्विड होता है वो आप डाल देंगे, तो आपका बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार हो जाएगा। अभी इसका हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे, स्प्रे करके दिखाएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो है। तो चलिए, स्प्रे करते हैं। हमारे नींबू में कुछ जो कीड़े लग जाते हैं, नींबू की जो पत्तियाँ काटते रहते हैं वो कीड़े लग चुके हैं, तो उनको हम अभी देखो दिखाते हैं आपको स्प्रे करके। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटा छोटा कीड़े अभी दिख रहे हैं इस पत्ती पर, देखिए कीड़ा दिख रहा है, जिसके सींग जैसे होते हैं वो कीड़े यहाँ पर आ गए हैं, तो हमने स्प्रे कर दिया है। तो देखते हैं अब हमें कितनी देर बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके पौधे में कीड़े लगे नहीं हैं, तो आप केवल जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में लहसुन का बनाया था वही आप यूज़ करें, तो कीड़ों से बचाव आपका होता रहेगा। और अगर कीड़े इस टाइप के लग गए हैं, जो लहसुन जो पत्तियों को खाते हैं, तो आप इसका स्प्रे करें, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये देखिए, अभी लगभग हमको 3-4 मिनट हुए हैं स्प्रे किए हुए, और ये जो कीड़ा लगा था ये देखिए बिल्कुल डेड हो चुका है। आप यह हम नुस्खा जो घर पे आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। आपको कोई भी पेस्टिसाइड बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कारगर है यह उपाय। मतलब कि इतना कारगर है कि आप जैसे ही स्प्रे करेंगे, और पूरे पौधे पर स्प्रे भी नहीं कर पाएंगे, तब तक कि जिधर से शुरुआत आपने की होगी वहाँ के जो कीड़े होते हैं इस टाइप के, वो एकदम ख़त्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।